तो स्टूडेंट आज जो आप लोगों की क्लास लाइव नहीं हो पाई, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण से आप लोगों की क्लास मैंने लाइव नहीं लिया है। आप लोगों की क्लास मिस ना हो इस कारण से मैं आप लोगों की अभी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो निवेदन है सभी बच्चों से कि ये वीडियो जरूर आप लोग देख लें, आप लोगों के काम आएगा। जो बोरिंग टेक्नीशियन की हमारी क्लास चल रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का पूरा मैंने सिलेबस आप लोगों को कम्प्लीट करा दिया था, है ना। 10 या 11 क्लास हमारी हो चुकी थी, एक्चुअली 10 क्लास हो चुकी थी। तो 10 क्लास में मैंने A to Z जो भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आता है वो सब मैंने पढ़ा दिया था, फिटर वालों को भी और इलेक्ट्रीशियन के बच्चों को भी। लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि वो और ज़्यादा अंदर डीपली पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने फिटर वाले बच्चों के हिसाब से यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया है। लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं वो अगर उनको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो वो कोर्स में जाके पढ़ सकते हैं। कोर्स में मैंने पूरा फुल डिटेलिंग से मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया है। फिटर वाले बच्चों के लिए जो बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास है, मैंने अभी आप लोगों की जो 10 क्लास ली है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ाया है जो पेपर में आएगा फिटर वाले बच्चों को या मशीनिस्ट वाले बच्चों को, उतना ही। लेकिन इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग कोशिश करिएगा कि कोर्स में मैंने पढ़ाया है पूरा जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, पूरा डीपली मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। जो भी किरचॉफ लॉ से आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं, ओम्स लॉ से होते हैं, सब कुछ A to Z मैंने वहाँ परफेक्टली आप लोगों को डिफाइन किया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका था। लास्ट मैंने आप लोगों को बोला था कि जो पूरे टॉपिक हुए हैं उसके हम लेके आएंगे MCQs। तो MCQs लेके आने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था। तो अभी कुछ दिन में क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि सर बाहर गए हुए थे, उनका कुछ कारण से वो बाहर गए थे। तो अभी सर आ गए हैं तो आज की क्लास हमारी हो रही है। तो आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम जो हमारे MCQs रहेंगे, जो भी मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए हैं उससे संबंधित ये MCQs हैं। एक्चुअली ये लाइव होता लेकिन लाइव नहीं हो पा रहा है, तो मैं वीडियो बना दिया है मैंने आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर देख लीजिएगा आज का वीडियो, ओके। आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। हमारा एक टॉपिक छूट गया था, वो जो एक टॉपिक था वो था आपका रजिस्टर। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को रजिस्टर पढ़ाया था। तो रजिस्टर में मैंने आप लोगों को बोला था कि रजिस्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे भी आप लोगों के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन आते हैं। और जिसको याद नहीं है तो वो प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट में वीडियो स्टोर होगी, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं ना, प्ले लिस्ट में सेफ है। तो रजिस्टर वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लें। याद होगा आप लोगों को लीनियर रजिस्टर होता है और एक आपका नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। तो मैंने आप लोगों को बोला था फिक्स टाइप रजिस्टर कितने होते हैं, वेरिएबल टाइप रजिस्टर कितने होते हैं। तो ये सब जितने भी आपके रजिस्टर के पूरे टाइप बताया था, एक एक को डिफाइन किया था मैंने, है ना, एक एक को डिफाइन किया था, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लास्ट में से बचा था कि जो आपकी रजिस्टर होती है उसकी जो कलर कोडिंग होती है उसको कैसे फाइंड किया जाता है या उसको कैसे निकाला जाता है, तो ये आज हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने MCQs करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है रजिस्टर, इस टाइप का आपका रजिस्टर पेपर में आता है, आप लोगों के सामने दे दिया जाता है। तो ये जो रजिस्टर है इसमें कलर के कोड होते हैं, क्या होते हैं, कलर के कोड। अब यहाँ पे कलर कोडिंग देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये फर्स्ट क्या है आपका ब्राउन, दूसरा ब्लैक, थर्ड आपको बैंड जो दिख रहा है वो है रेड, और फोर्थ जो है ये बैंड आपको क्या दिख रहा है जैसे ब्लैक तो दिख नहीं रहा इसमें। देखिए आपका ये जो फर्स्ट है वो क्या है आपका ब्राउन, जो सेकंड है वो है आपका ब्लैक, थर्ड है आपका रेड, और फोर्थ है आपका गोल्ड, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, नहीं भी दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, कोई और कलर यूज कर लेती हूँ मैं। वैसे तो ब्लैक ही कलर समझ में आ रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम कि ये जो रजिस्टर है इनकी जो कलर कोडिंग होती है उनमें जो बैंड होते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो आपका है पहला बैंड, सेकंड वाला है वो आपका है सेकंड बैंड, थर्ड वाला जो है वो आपका थर्ड, और देन लास्ट में फोर्थ। तो पहले हम बैंड समझ लेते हैं कि किस किस टाइप के बैंड होते हैं और कौन सा बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले हमें ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे तो क्योंकि कलर हो नहीं रहा तो मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो बैंड है वो हर बैंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा दूं, देखिए पहले हम यहाँ पे बैंड समझ लेते हैं। सपोज ये आपका क्या है रजिस्टर, ये आपका क्या है रजिस्टर। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने फर्स्ट यहाँ पे आपको दे दिया रेड,
सेकंड मान लीजिए मैंने आपको दे दिया येलो, थर्ड मैंने आपको दे दिया ब्लैक, एंड लास्ट जो फोर्थ है वो मैंने आपको दे दिया गोल्ड। ठीक है, इसको गोल्ड समझना आप। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रजिस्टर में बैंड क्या होते हैं, ये आपको मैं समझा दूं। तो ये जो फर्स्ट बैंड होता है यहाँ पे, ये फर्स्ट बैंड, ये क्या है आपका फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ, ये क्या आपका फोर्थ बैंड है। एक मिनट, हम फोर्थ बैंड है, ठीक है आपका। अब देखिए यहां पे हम बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जब भी फोर बैंड रजिस्टर होते हैं, पहले मैं अलग अलग आप लोगों के बैंड बता देती हूँ कि कितने बैंड होते हैं आप लोगों के, कि अलग अलग बैंड मतलब जैसे कि आपके फोर हो गए, फाइव हो गए, सिक्स हो गए। कॉमनली हमें फोर बैंड देखने को मिलते हैं, लेकिन जहां पे आपका फाइव बैंड आ जाता है या सिक्स बैंड आ जाता है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि जो फाइव बैंड है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, सिक्स बैंड आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम लाइन से देखते जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फोर बैंड, ठीक है, जैसा आपके सामने ये दिया गया है ना, ये फोर बैंड रजिस्टर जैसा दिया गया है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए फोर बैंड रजिस्टर, वन टू थ्री एंड लास्ट में फोर, ये फोर बैंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना आप लोगों की जो फोर बैंड होता है, इसमें जो ये जो चौथा बैंड होता है, ये जो आपका फोर्थ है ना, ये जो आपका फोर्थ बैंड है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ बैंड आपका टॉलरेंस रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज याद हुई। अब इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ बैंड में, तो ये हमारा क्या फाइव बैंड रजिस्टर। ओके, अब फाइव बैंड रजिस्टर में देखिएगा आप लोग, वन टू थ्री फोर एंड यहाँ पे फाइव। तो ये जो फाइव वाला बैंड है ना, फिफ्थ बैंड जो है आपका, ये जो आपका दिख रहा है, ये भी आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, टॉलरेंस ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये भी टॉलरेंस रिप्रेजेंट करेगा और ये भी आपका टॉलरेंस रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आपका आ जाता है सिक्स बैंड, अच्छे से समझिएगा, लेकिन अगर आपका आ जाता है सिक्स बैंड आ जाता है, देखिए इसको मैं यहां पे बता देती हूं, अगर आपका आ जाता है सिक्स बैंड, सिक्स बैंड रजिस्टर की अगर बात करते हैं हम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब यहां पे देखिएगा कि ये जो फाइव नंबर वाला है, ये तो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, टॉलरेंस, है ना। और ये जो सिक्स वाला है, ये जो सिक्स वाला है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेचर कोफिशियंट। क्या करेगा, टेम्परेचर कोफिशियंट। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि फोर बैंड रजिस्टर में जो फोर्थ बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर बैंड रजिस्टर में जो फोर्थ वाला है, ये जो फोर्थ वाला है वो आपका टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ बैंड में भी जो फिफ्थ वाला है वो आपका टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सिक्स बैंड की अगर हम बात करें, तो सिक्स बैंड में क्या होता है, वो टेम्परेचर कोफिशियंट बताता है, टेम्परेचर कोफिशियंट को रिप्रेजेंट करता है। आ गया समझ में ये चीज। अब देखिए इसी में कुछ अलग अलग देख लेते हैं, जैसे कि हमने ये फोर्थ बैंड की बात करा, ये था टॉलरेंस, अब ये है आपका थर्ड, ये आया आपका सेकंड और ये आया आपका फर्स्ट। ठीक है, यही चीज है। तो यहां पे ध्यान रखिए, जो थर्ड बैंड है वो आपका दिखाता है मल्टीप्लायर को। ठीक है, किसको दिखाता है, मल्टीप्लायर को दिखाता है, जो आपका कौन सा है थर्ड है। जो आपका सेकंड है वो आपका दिखाता है यूनिट डिजिट, ये जो आपका सेकंड है वो आपका दिखाता है यूनिट डिजिट। और आपका ये जो फर्स्ट बैंड है, ये आपका क्या दिखाता है, टेंस डिजिट दिखाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप लोग जरूर अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रही हूँ। ये क्वेश्चन इसी में से ही ज्यादा करके पूछे जाते हैं,
क्योंकि कोडिंग के हिसाब से आप लोग उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू तो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन बैंड के हिसाब से उनका क्या, कहाँ पे टॉलरेंस आ रहा है, कहाँ पे टेम्परेचर कोफिशियंट आ रहा है, कहाँ पे डिजिट टेंस होगी या यूनिट होगी, वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो ये आप 4 बैंड का हो गया। अब रही बात यहाँ पे अगर हम 5 बैंड की बात करते हैं तो सेम ऐसा ही 5 बैंड में भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपकी आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि जैसे यहाँ पे 5th बैंड में यहाँ पे मैंने यहां पे देखिए यहां पे जो 5th बैंड है ये आपका 5th, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। 5 में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, टॉलरेंस है ना, 5 में मैंने टॉलरेंस बताया था, 4th में मैंने आपका बताया था वही मल्टीप्लायर है ना। उसके बाद 3 में अगर हम आ जाते हैं तो 3 में यहाँ पे सेम यहाँ पे मल्टीप्लायर था, लेकिन यहाँ पे सेकंड में क्या था, यूनिट डिजिट था। तो आपका यहाँ पे अब आ जाएगा यूनिट डिजिट, देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेंस। लास्ट जो फर्स्ट है वो आपका करेगा 100। ठीक है, ये आपके हो गए पूरे। ठीक है, तो ये 5th वाले में भी मैंने आपको बता दिया और ये 4th वाले में भी मैंने आपको बता दिया। ये आ गया आपका 5th का और ये आ गया आपका 4th का। तो एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए कि कौन सी लाइन, कौन से बैंड को मैंने क्या बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है कि 5th बैंड का जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टॉलरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। 4th बैंड जो रहेगा वो मल्टीप्लायर हमें दिखाएगा, 3rd जो रहेगा वो यूनिट डिजिट आएगा, 2nd है टेंस आएगा और 1st है तो 100 डिजिट आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। अब ऐसे ही सेम हम किस पे चलते हैं, अगर हम 6th वाले बैंड पे चलते हैं, 6th वाले पे है ना। तो ये 4th हो गया, ये 5th हो गया। अब हम यहाँ कहीं 6 बना नहीं सकते, तो मैं वहां ऊपर ही दिखा देती हूँ आप लोगों को। अब यहां पे हमने बात कर लिया 6th बैंड की, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, सेम वैसा ही चल रहा है। यहां पे मैं लिख देती हूं, जो 6th वाला रहेगा आपका वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफिशियंट। ठीक है, जो 5th वाला रहेगा सेम वही आपका क्या जाएगा, टॉलरेंस। 4th वाला जो रहेगा वो आपका सेम वही रहेगा, जैसे इसमें मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लायर, तो इसमें भी सेम आ जाएगा वही मल्टी प्लायर का काम करेगा ये। ठीक है, देन उसके बाद जो 3rd आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यूनिट, 2nd जो रहेगा वो आपका 2nd वाला आ जाएगा टेंस, और 1st वाला जो रहेगा वो आपका आ जाएगा 100। ओके, ये चीज हो गई, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब एक चीज आप लोग याद रखना कि अब हम निकालते हैं कलर कोडिंग, सीखते हैं कि इसकी कलर कोडिंग होती कैसी है, वो हमें देखना है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बैंड काफी तक हद तक पूछे जाते हैं कि जो 5th बैंड है आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4th बैंड क्या रिप्रेजेंट है। लेकिन रजिस्टर देख लेना कि आपका रजिस्टर कौन सा है, 5th बैंड वाला है कि 4th बैंड वाला है कि 6th बैंड वाला है। ठीक है, क्योंकि 3 बैंड वाला आपका होता नहीं है, मोस्टली 4th बैंड से ही स्टार्ट होते हैं, 4, 5, 6। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं, पहले मैं आप लोगों को एक टेबल दिखा देती हूं। तो पहले आप लोगों को टेबल याद करना है, ये है आप लोगों की टेबल। ठीक है, तो ये है आपकी टेबल कलर कोडिंग की, यहां जैसे बाजू में लिखा हुआ है रजिस्टर कलर कोड टेबल। ये टेबल आप लोगों को पूरी याद रखना, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, मैं साइड में हट गई हूं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, कलर कोडिंग की टेबल, आप लोगों ने देख लिया, स्क्रीनशॉट लेके सामने आप लोग रख लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे इसके। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं, अब सपोज मान लीजिए क्वेश्चन पे आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके सामने एक रजिस्टर दिया है। ठीक है, या क्या है आपके सामने, एक रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर में मान लीजिए आपको 4 बैंड दिया है, 1, 2, 3 एंड 4,
फोर बैंड दिया है। पहले हमें गिनना है कि कितने बैंड है, यानी कि ये कौन सा रजिस्टर हुआ, फोर बैंड रजिस्टर हुआ, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से कलर के हैं। सपोज ये मैंने ले लिया, फर्स्ट वाला ले लिया आपका ब्राउन, ठीक है। फर्स्ट वाला मैंने क्या ले लिया, बैंड ब्राउन। सेकंड वाला मैंने ले लिया रेड। थर्ड वाला मैंने ले लिया ऑरेंज। और लास्ट वाला मैंने ले लिया गोल्ड। बोलती भी जा रही हूँ, अगर दिख नहीं रहा है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। टेबल अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब ये निकालते कैसे है, इसका रजिस्टेंस अगर पूछेगा क्वेश्चन में, आपके सामने एक रजिस्टर दे दिया जाएगा, पूछेगा इस रजिस्टर का आपको रजिस्टेंस बताना है कि कितना रजिस्टेंस है इसका, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, पहले बैंड देखना है कि कितने बैंड है उसके, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए अब यहाँ पे फोर बैंड हमें मिल गया। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, ब्राउन की। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बीबी रॉय करके, ग्रेट बटालियन वेरी गुड वाइफ, है ना, जिसका कोड होता है आपका ऐसे बीबी रॉय, ये कोड होता है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, बीबी रॉय ग्रेट बटालियन वेरी गुड वाइफ, ये करके भी आप याद कर सकते हो। तो पूरा आपका ए टू जेड आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, है ना, उसके बाद ब्लू वॉयलेट, आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, ग्रे वाइट, और लास्ट में आपका होता है गोल्ड सिल्वर और वाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं लास्ट। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, कितना आता है इसका रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, पहला क्या दिया है, ब्राउन। पहला क्या दिया हमारा, ब्राउन। तो ब्राउन में हम जाएंगे, तो ब्राउन में आप लोग देखना, सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये आपका दिख रहा है ब्राउन। ब्राउन में कितना है, वन। वहां पे देखिए, वहां पे मैंने कलर कोड जो लिया था, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, कुछ इस तरीके का मैंने लिया था, वन टू थ्री और यहाँ पे फोर। फर्स्ट क्या था हमारा, ब्राउन। सेकंड क्या था, रेड। थर्ड था हमारा ऑरेंज। और लास्ट क्या था हमारा, गोल्ड। यही चार बैंड थे, यहाँ पे लिख नहीं सकती इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है ना, ये फर्स्ट वाले का है, ये सेकंड वाले का है, ये थर्ड वाले का, और ये आपका फोर्थ वाले का है, ठीक है। यही था क्वेश्चन में, देख लीजिए आप लोग, साइड में मैंने लिख दिया है, ठीक। अब फर्स्ट सबसे पहले आ रहा है आपका, हमें क्या देखना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट बैंड जो होता है हमेशा हम क्या देखते हैं, टेंस डिजिट देखते हैं फोर बैंड में। अगर नहीं याद है तो फिर वापस जाके देख लीजिए, अभी मैंने समझाया है, फोर बैंड जहां पे मैंने लिखा था, तो आपको जो पहला वाला बैंड था उसको मैंने लिखाया था टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, तो ये हमारी टेंस डिजिट जो कितना दिया है, वन, यानी कि हम यहाँ वन लिख देते हैं साइड, ये वन हो गया हमारा, है ना, ये ले लिया। देन उसके बाद हम आते हैं किस पे, ब्राउन तो हो गया, अब आते हैं रेड पे। अब रेड हमें देखना है, लेकिन रेड का आप कौन सा डिजिट देखना है, तो फोर बैंड में मैंने बताया था यूनिट डिजिट, है ना। अब यूनिट डिजिट इसके बाजू वाली आ जाती है, ये हमारी यूनिट, ये क्या कौन सी है, टेंस हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, यूनिट डिजिट हो गई। यूनिट में रेड, ये है रेड आपका, ये आ गया, कितना आ गया, टू। तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा, टू, ठीक है। सिंपल ऐसे ही लिखना है। देन उसके बाद अब बोला है मल्टीप्लायर, तो भाई हमने यहाँ पे लगा लिया, मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे। अब थर्ड में आ जाते हैं, तो थर्ड बैंड में दिया ऑरेंज, तो थर्ड बैंड का ऑरेंज हमें कौन सा देखना है, ये 1 k ohm, कितना दिख रहा है, 1 k ohm, यानी कि हम 10 टू दी पावर इसको 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का मतलब क्या, 3 जीरो का मतलब क्या, आपका किलो ओम आ जाएगा, वो के ओम आ जाएगा, ये हो गया आपका। देन उसके बाद हम आते हैं किस पे, गोल्ड पे। लास्ट हमारा क्या था, गोल्ड था, तो ये देखिए जो गोल्ड है इसका हमें क्या देखना है, लास्ट वाला जो गोल्ड है, टॉलरेंस देखना है हमें इसका, है ना। तो टॉलरेंस ये आपके सामने दिया हुआ है, फोर्थ बैंड का टॉलरेंस। तो गोल्ड पे हम आए, तो फोर्थ बैंड का टॉलरेंस कितना है, +-5%, तो +-5%, तो ये आ जाता है आपका इसका क्या, रजिस्टेंस। इस तरीके से आप लोग क्या निकालते हो, रजिस्टेंस किसी भी रजिस्टर का निकाल सकते हो। ऑप्शन में आपको 10 टू दी पावर 3 ना करके के ओम भी दे सकता है, ठीक है। तो के ओम दे दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है ना, 1 दिया हुआ है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो आपका आंसर में ये भी आ सकता है 12, और इनटू की जगह हमने मान लीजिए यहाँ पे 10 टू दी पावर जो 3 दिया हुआ है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, के ओम +-5%, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। दिख रहा है साइड में, ये दिख रहा है, मैंने साइड में लिख दिया है ना, या इधर लिख देती हूँ, 12 के ओम प्लस माइनस
5%, ये भी हमारा आ सकता है। क्यों? अब आप ये बोलोगे कि मैम आपने के ओमी बस क्यों लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ओनली वन है, अगर 10 रहता तो एक जीरो हम वहां पे लगा सकते थे, है ना, मतलब 10 वहां पे हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो वन ही दिया, तो वन का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा, तो 12 के ओम प्लस माइनस 5% ये ऑप्शन में रहेगा, तो आप लोग ये आंसर लगा लोगे, ये ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग ये आंसर कर लोगे। ये चीज कंप्लीट हुई, ठीक है। अब देखिए कलर कोडिंग की यहाँ पे बात जितनी भी थी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, एमसीक्यूज की, जो मैंने आपको आपके लिए एमसीक्यूज आज लेके आए थे। आप लोग हो सकता कुछ क्वेश्चन भी पूछते उसमें, लेकिन अभी तो क्वेश्चन पूछने का कोई यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि मैं ऑफ वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पढ़ाया है उसी में से मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसी में से निकाली हूँ मैंने ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है और पूरे क्वेश्चन नोट करने हैं, या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर नहीं दिख रहा है बोर्ड में तो मैं आप लोगों को बता दूं, बोर्ड में अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, वो आप लोग सुनना अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, बोला है विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। 2 सेकंड का टाइम है, खुद से सोच के देखो कि क्या कैसे हो सकता है विद्युत आवेश, है ना, आपका जो आवेश है विद्युत आवेश है प्रवाहित हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से, फिर सेकंड है चालकों के माध्यम से, थर्ड है विद्युत रोधियों के माध्यम से, और फोर्थ है चालकों तथा अचालकों के माध्यम से। 2 सेकंड का टाइम है, पहले खुद सोचिए, टिक करिए, उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ, ठीक। अब इसका जो राइट आंसर है वो होगा आप लोगों का राइट आंसर बी, क्या होगा बी, चालकों के माध्यम से। विद्युत के जो आवेश होते हैं, आवेश मैंने आप लोगों को बताया था आवेश को किससे डिनोटेड करते हैं, क्यू से डिनोटेड करते हैं ना, तो वही बोला है कि विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, किससे प्रवाहित हो सकता है भाई, जो चालक रहेंगे, तो चालक क्या होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, तो उसी में से आपका क्या हो जाएगा आवेश प्रवाहित होगा, कौन सा विद्युत का आवेश, तो विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। और मैं ज्यादा डीपली ये नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती, विद्युत धारा कहलाती ना भाई, कोई भी आपने आपके पास चालक है तो चालक में आवेश प्रवाह, जब भी आवेश ज्यादा, आवेश मतलब क्या इलेक्ट्रॉन का होना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही वही आवेश है आपका, है ना, क्योंकि उसमें ऋणात्मक आवेश रहता है, आपको पता होना चाहिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, बता चुकी हूं, पढ़ा चुकी हूं, जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो क्या बताया था मैंने, चालक में आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो क्या कहलाती है आपकी, विद्युत धारा कहलाती है, यानी कि I = Q/T, ये क्या है हमारा आवेश है और ये क्या हमारा समय है, है ना, इन दोनों की जो दर है वो क्या कहलाएगी I, यानी कि आपकी करंट। तो चालकों के माध्यम से क्या होता है विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपका बोला है धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है। अब धातु का तार है, अब धातु आपकी कोई सी भी हो, चाहे आपकी कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने, किसी की भी कोई सी भी धातु का एक वायर है, तार है, तो वो धातु की जो तार है उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। अब विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, आयन के कारण, प्रोटॉन के कारण, की उपयुक्त सभी। अब ये आपको आंसर करना है, 2 मिनट का टाइम है, फटाक से आप लोग आंसर करिए। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वायर है, कोई भी तार है, उसके अंदर से जब विद्युत धारा गुजरती है, तो विद्युत धारा का गुजरना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होना, आया, तो वही चीज विद्युत का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो आंसर क्या जाएगा आपका, ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सब प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको लाइटली मत लेना आप लोग बिल्कुल भी, छोटे छोटे क्वेश्चन में ही आप लोग फंसते हैं, इस कारण से याद रखना ये चीज, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिखाई दे रहा ना पूरी स्क्रीन पे, ठीक। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात कर लें, थर्ड क्वेश्चन में बोला है
प्रति इकाई तापमान में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझिए क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसलिए समझा रही हूं। प्रति इकाई तापमान, तापमान यानी कि यहां किसकी बात कर रहा है, टेम्परेचर की, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, टेम्परेचर की। तापमान में बदलाव क्या बोला है, प्रति इकाई पर यूनिट, टेम्परेचर में बदलाव, चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। आगत प्रति संतुलित विभव, अब किसकी बात कर रहा है भाई, विभव की, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है ना, के बदलाव की औसत दर कहलाती है, औसत दर। अब जैसे आपको नहीं भी मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर, पहले आंसर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऊष्मीय बहाव संवहन, शीर्ष विभव, निर्गत प्रति संतुलित विभव, प्रति संतुलित आगत विभव, ये चार में से ऑप्शन आप लोगों को देखने हैं, कौन से ऑप्शन सही है आप लोग खुद से पहले सोचिए, उसके बाद मैं बता रही हूं। और क्वालिटी बढ़ा लेना अपने मोबाइल की, अगर ब्लर हो रहा होगा तो वो क्वालिटी आप लोग ठीक करोगे, आप लोगों का सही आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, और जूम करके देखना आ जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर जैसे पेपर में नहीं भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन, हमें छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है यहाँ पे, अटेम्प्ट करना है। कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे वो टेम्परेचर की बात कर रहा है, उसके बाद किसकी बात कर रहा है, विभव की बात कर रहा है, यानी कि पहले प्रति इकाई टेम्परेचर में बदलाव, आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव, और उसके बाद विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है, तो इसकी औसत दर कहलाती है ऊष्मीय विभाव, ऊष्मीय बहाव संवहन। टेम्परेचर की बात है तो ऊष्मा की तो बात आएगी ही आएगी, इतना याद रखना, कई बार पढ़ा चुकी हूँ, पिछली जितनी भी क्लासेस लिया है मैंने आप लोगों को सभी क्लासेस में बताया टेम्परेचर का, सीधा सीधा हम ऊष्मा से संबंध बताते हैं, अधिकतर क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो तापक्रम का क्या आ जाएगा आपका, ऊष्मीय बहाव संवहन, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, परमाणु में निम्न तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। अब भाई परमाणु मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि परमाणु होता है तो उसके अंदर कौन से तीन कण पाए जाते हैं, फटाक से आंसर बताओ, आप लोग खुद देखो बनेगा आप लोगों को, है ना। ठीक, तो परमाणु में क्या होता है भाई, आपका आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा आई होप, तो याद रखिए आप लोगों का जो आंसर रहेगा फोर्थ का, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यही तीन होते हैं ना, यही तीन होते, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में आपका न्यूट्रल रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ये सब, ये मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना बताने की जरूरत है आप लोगों को, बन ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, धारा के तीन प्रमुख प्रभाव है, तो धारा के तीन प्रमुख प्रभाव कौन कौन से है आप लोगों को, मैंने प्रभाव बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, याद होना चाहिए। तो धारा के जो तीन प्रमुख प्रभाव है वो आपके कौन कौन से है, एक ऊष्मीय, एक चुंबकीय और एक कौन से है, रासायनिक, ये भी ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप में है, आप लोगों को आया था क्वेश्चन तो इसलिए मैं बता रही हूं। एक संवाहक 0.2 एम्पियर की एक धारा धारित करता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी, ठीक है, 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। उसने यहाँ पे हमें बता दिया है भाई कि एक जो संवाहक है वो कितने एम्पियर की धारा धारित कर रहा है, 0.2 एम्पियर की धारा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना बोला है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹, और समय कितना बोला है, टाइम क्या है आपका, 30 सेकंड, ये आपका समय बोल रहा है, ठीक। तो अब इनमें से चार ऑप्शन में से बताना है कि 30 सेकंड में कितने आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वहां पे। तो आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए जो Q होता है, ठीक, Q यानी कि आवेश, पढ़ा चुकी हूँ, ये होता है I × T, यही होता है। तो Q हम यहाँ पे निकाल लेंगे, बाकायदा I कितना दिया है, 0.2 × यहाँ पे कितना दिया है ये, 30 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आप लोग निकालना। तो Q आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 कूलम भाई, क्योंकि आवेश को किससे डिनोटेड करते हैं, कूलम से ही डिनोटेड करते हैं ना, तो Q आ गया आपका
सिक्स कूलम, लेकिन यहाँ तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लिया हमने क्या है, एन है, एन क्या है हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एन इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो भी दिया है जैसे 1.6 × 10⁻¹⁹ वो हमें लेना है, तो 6 आ जाएगा आपका ऊपर और नीचे आपका क्या आ जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। यहाँ पे आप लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है, 10⁻¹⁹ ऊपर जाएगा तो 10⁻+¹⁹ हो जाएगा, और नीचे अगर हम बात कर ले तो 1.6 से अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। अब आप इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो चाहे जैसे अपने जैसे भी करना है आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आंसर आया तो मैं बता दीजिए, जैसे आपने 2 से ही इसको काटा 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 5 जा आपका 10 हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 ठीक है, ये आ गया आपका 3 5 जा 15 अपॉन में 4 इंटू 10⁻¹⁹। अब 4 में 15 का आप डिवाइड कर देना, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ पे ए 3.75 × 10⁻¹⁹। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, सातवां क्वेश्चन देखिए, धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। अब देखो, धारा ले जाने वाले दो समांतर तार, दो समांतर तार आपके दिए हैं, ये तार दिए हैं आपके दो समांतर, ठीक, यहां से भी धारा जा रही है, यहां से भी धारा जा रही है, यहां से I2 यहां से I1, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच जो बल लगता है, बल लगता है यानी कि जो भी क्या लगता है, फोर्स रहता है ना, इन दोनों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। भाई कौन सी परिभाषा होती है, पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, फटाक से बताओ कि किसकी परिभाषा के लिए यूज होता है। आंसर क्वेश्चन में ही है, धारा की बात यहाँ पे कर रहा है, धारा ले जाने वाले दो समांतर, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, बी एम्पियर, एम्पियर की परिभाषा के अनुसार, एम्पियर की परिभाषा यानी एम्पियर किसका यूनिट होता है, धारा का ही यूनिट होता है, तो एम्पियर की ही परिभाषा में क्या बताया था मैंने कि जो दो समांतर तार होते हैं उसके बीच जो भी बल लगता है वो किसको परिभाषित करता है, भाई धारा यानी कि एम्पियर को परिभाषित करता है। फ्लेमिंग यहाँ पे होगा नहीं, वोल्ट होगा नहीं, कूलम नहीं होगा आप लोगों का, तो जो मैंने पढ़ाया उसी के अंदर से ये क्वेश्चन दिया गया, बस आपके समझने की देर है, अगर आप लोग ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं, जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया है वो मैं एमसीक्यूज में कवर करवा दूंगी, वही मैं कवर करवा रही हूँ, क्योंकि ये सब छोटी मोटी चीजें मैंने वहां पे आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में वहां पे मैंने नहीं बताया था, मैंने बोला था आप लोग खुद से भी पढ़िएगा, लेकिन ज्यादा रहेगा तो हम एमसीक्यूज में देख लेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रखा है, तो आप लोग याद रखना इसको, रट लो एकदम, ठीक है, अच्छे से कि आपको याद रखना है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कितने होने चाहिए, 6.25 × 10⁻¹² इतने मिलकर क्या बनाते हैं, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है आपका, एक चालक जिसका प्रतिरोध आर है की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब एक चालक है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध क्या है, आर, ठीक है, की लंबाई। अब ये जो चालक है, मान लो चालक हमारे पास ये है, एक चालक, ये क्या हमारे पास क्या है भाई, चालक, ठीक है, ये क्या हमारे पास चालक, चालक की लंबाई मान लो हमने एन ले लिया, यहां से यहां तक चालक की लंबाई कितनी, एन, तो लंबाई को वो क्या करना है, दोगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया, क्षेत्रफल यानी कि आपका एरिया क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, और लंबाई कितना कर रहा है, दोगुनी कर रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लो यहाँ पे, फिर करना।
लंबाई को दुगना कर दिया जाए, इतनी लंबाई थी इसी का डबल कर दिया गया, और इसका जो क्षेत्रफल होगा, सपोज इस तरीके का जो वायर होगा, तो जो भी क्षेत्रफल होगा इसका वो क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जाता है। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? लंबे वाले मेथड पे बिल्कुल भी नहीं जाना है कि भाई हमने आर वन ले लिया, फिर एल वन ले लिया, फिर रो अपॉन में आर, जो आप लोग एल अपॉन में एक फॉर्मूला लगाते हो, है ना, रो वाला, वो वाला बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। सीधा सीधा सिंपल सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को लेना है यहाँ पे भाई सबसे पहले R2, जो नया रेजिस्टेंस आने वाला है, बोला है ना कि प्रतिरोध का मान क्या होगा जब हमने लंबाई को डबल कर दिया और एरिया को आधा कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस कुछ आएगा, तो नया रेजिस्टेंस हमने क्या ले लिया, R2। अब पुराना रेजिस्टेंस जो होगा, लंबाई को हमने क्या लिया था, n, तो n स्क्वायर, या फिर आप l भी लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप लोग ये लो यहाँ पे लिख लो l, ठीक है। एल का क्या कर दिया हमने भाई, स्क्वायर कर दिया इनटू आर वन। बस इस फॉर्मूले में आप लोगों को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। लंबाई कितनी बोला है, दो गुनी कर दी जाए, कितना बोला है, दो गुनी, तो यहाँ पे दो लिख देंगे, दो का स्क्वायर और आर वन। अब आर वन यहाँ पे बोला है कि कितना बोल रहा है भाई, हमें तो दिया है ही नहीं कि आर वन कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आर वन का आर वन ही रहन दो, यहाँ पे आर टू ही रहन दो, कोई मतलब नहीं है हमें क्षेत्रफल से, कोई मतलब नहीं है। यहाँ बोलोगे मैम आपने एरिया का यूज नहीं किया, एरिया आधा लिखने को बोला, नहीं यूज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रतिरोध पूछा है, तो हमारा जिससे आंसर जल्दी आना है, हमारा टाइम बचेगा, हम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 4 R1, ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी 4 R1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपको यूज करना है और आपको क्षेत्रफल पे नहीं जाना है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे बोला है किसी परिमित दूरी द्वारा, परिमित दूरी एक मतलब कोई भी आपने एक दूरी ले लिया, किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश किसमें वृद्धि करते हैं, ठीक है। देखो फिर से यहां पे उसने क्या बोला कि किसी परिमित दूरी द्वारा, मतलब एक दूरी, कुछ दूरी होगी मान लो 5 मीटर की, 10 मीटर की, जितनी भी दूरी होगी, तो क्या बोला है, दो आवेश, हमने एक आवेश ये ले लिया और एक आवेश ये ले लिया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, दो आवेश। अब बोला है द्वारा पृथक्कृत दो आवेश किसमें वृद्धि करते हैं, अब इन लोग किसमें वृद्धि करेंगे भाई, प्रतिकर्षण बल में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है एक पॉजिटिव में हो, एक नेगेटिव में हो, या दोनों नेगेटिव में हो, है ना। विद्युत वाहक बल भी नहीं होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आवेश रहता है उनके चारों तरफ क्या होता है, उनका एक क्षेत्र होता है, क्या होता है, क्षेत्र होता है, इसका भी कोई ना कोई क्या होगा, क्षेत्र होगा। ये इस आवेश का अपना कोई क्षेत्र होगा, इस आवेश का अपना कोई क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ये वृद्धि किसमें करेंगे, विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन था आपका, लेकिन आपको याद रखना है, जब मैंने समझाया था आप लोगों को कि भाई जहां पे भी आवेश रहेगा तो वो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, आपका एक विद्युत क्षेत्रीय फील्ड बना लेता है ना, याद होगी वाली क्लास आप लोगों को। तो आंसर क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ आवश्यक होता है। अब विद्युत वाहक बल ईएमएफ जो होता है वह आवश्यक होता है ना, इलेक्ट्रॉन का पलायन रोकने हेतु, असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को पृथक रखने हेतु, चालकता को प्रतिरोध में परिवर्तित करने हेतु, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था भाई, याद होगा अगर आप लोगों को, कि जैसे मैंने बोला था ये हमारे पास एक क्या है, सर्किट है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपका सेल लगा दिया। जब तक मैं यहाँ सेल नहीं लगाऊंगी तब तक यहाँ से करंट प्रोवाइड नहीं होगी, करंट यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो सेल है वो ईएमएफ का काम करता है, और जब ये ईएमएफ का काम करेगा ये क्या करेगा, फोर्स देगा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या देगा, धक्का देगा, तभी तो ये आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे करंट के थ्रू, मतलब करंट में डिवाइड हो बदल के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बताई हूँ एक एक चीज आप लोगों को, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, करेक्ट।
ठीक है। नहीं अगर ब्लर दिख रहा है, बार बार बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे रिपीट भी कर रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मानक तापमान और दाब खालिस्तान होता है, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो मानक जो तापमान होता है हमारा और जो दाब होता है, ठीक है, मानक तापमान और जो हमारा क्या होता है दाब होता है, वो आपको कंफर्म याद करके रखना है, वो है आपका 273 के एंड आ जाएगा आपका 180 एम, ठीक है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आया था क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको ले लिया ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में बोला है एक खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र स्थिर होता है, विद्युत क्षेत्र आवेश की मात्रा के अनुसार बदलता है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई एक खोखले गोलीय चालक, मान लो एक खोखला गोलीय चालक है आपका, आर पार हम जा सकते हैं, यहां से गए यहां से बाहर निकल गए, ठीक है, खोखला गोलन है आपका, तो इसी से आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इजिली यहां से निकल जाएगा, ना आपस में उनको टकराना है, ना आपस में लड़ाई करनी है, ना कुछ करना है, ठीक है। तो उसने यही पूछा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा इसका, भाई स्थिर स्थिर क्यों रहेगा, बंद तो है नहीं वहां से, स्थिर तो बिल्कुल नहीं रहेगा यहाँ पे। विद्युत क्षेत्र आवेश की मात्रा के अनुसार बदलेगा, क्यों आवेश नहीं, आवेश ही जब नहीं बदलेगा तो विद्युत क्षेत्र क्यों बदलेगा, नहीं इनमें से कोई नहीं भी नहीं, आपका आंसर क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का प्रतिरोध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में भी, तो याद रखना है पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है आपका, शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक होता है, अब विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है भाई बता दो फटाक से, विद्युत आवेश यानी कि क्यू, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है आप लोगों को याद रखने हैं, क्या होता है कूलम्ब होता है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, बता दो भाई किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, प्रतिरोधकता सबसे कम मतलब, इसको पहले क्वेश्चन को समझो, प्रतिरोधकता सबसे कम मतलब कि जिसके अंदर से करंट ज्यादा प्रोवाइड हो रही है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा, है ना भाई, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसी के अंदर से करंट सबसे ज्यादा फ्लो होगी, यही चीज होगा। तो इसमें से आपको बताना है कॉपर, सीसा, मरकरी और जिंक, इसमें क्या आंसर आएगा फटाक से बताओ, अब क्या बताओ आप लोग तो ऑफ में बना दी हूँ ना वीडियो, याद चलो याद रखना कॉपर, कॉपर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इस कारण से उसमें विद्युत धारा ज्यादा बहती है, ये बहुत अच्छा सुचालक होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिक होगा, अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि इनमें से साइज किसका बड़ा होगा, वो ये पूछ रहा है कि किस प्रतिरोधक का साइज, कौन सा इनमें से ऐसा प्रतिरोध है जिसका साइज बड़ा होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि 10 ओम 50 वाट, 100 ओम 10 वाट, 1 किलो ओम 1 वाट, 1 मेगा ओम हाफ वाट, तो हमेशा याद रखना जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होती है उसी का साइज क्या होता है, प्रतिरोधक साइज बड़ा होता है। पावर रेटिंग किसकी बड़ी है, 50 वाट ही बड़ी है ना पावर रेटिंग, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए, यानी कि इसका प्रतिरोधक साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये एक तरफ से ट्रिकी है, समझ लो आप लोग याद कर लेना, ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो, इनकेस क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, अभी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वही करवा दी हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए 18 में, किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है, प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा, 20 घंटे, 40 घंटे, 60 घंटे या
50 घंटे, ये आपको बताना है। तो भाई कितने समय तक कार्य करेगा, यानी कि हमें ये क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लोगों को मैं बता दूं कि एक फॉर्मूला लिख लेना, टी इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन में वी स्क्वायर, ठीक है, ये याद कर लो आप। यहाँ पे सबसे पहले जो ई दिया हुआ है आपका, कितना बोला है यहाँ पे, किलोवाट, दिख रहा है आपका, किलोवाट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका चेंज कर लेना, 1000 आ जाएगा आप लोगों का किलोवाट का, है ना। उसके बाद आर कितना दिया है, 500 दिया हुआ है, वी स्क्वायर यानी कि वोल्ट कितना दिया है, 100 × 100, कैंसिल कर दो भाई, ठीक, 5×10=50 घंटे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50 घंटे। तो ये सिंपल सा आपका आंसर था और ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ओम नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है, गलत वाला बताना। मैंने ओम का नियम आप लोगों को बताया था भाई कि V इज इक्वल्स टू I इंटू R होता है, है ना। अगर मान लीजिए हम यहाँ से I निकाल रहे हैं तो R अपॉन में V होगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ से R निकाल रहे हैं आप लोगों का तो यहाँ पे V अपॉन में I हो जाएगा, ये तीन नियम बताए थे। और मैंने आपको क्या बताया था, V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो इसमें से आपको गलत वाला बताना है। तो अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई V अपॉन में I जो रहता है वो नियतांक, इसमें यानी कि ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है B, ये आपका क्या दिया है, V अपॉन में I इज इक्वल्स टू नियतांक, नियतांक दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक कर लें यहाँ पे, तो V अपॉन में I यहाँ पे R होना चाहिए, यहाँ पे नियतांक दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। जब भौतिक अवस्थाएं उसकी परिवर्तित होती है तब नियतांक आता है, ठीक है। तो भौतिक अवस्था मैंने परिवर्तन वहां पे बताया था ओम्स लॉ में, कि जब भौतिक अवस्था उसकी परिवर्तित ना हो, है ना, तब का मैंने आपको बताया था कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका B का आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका, कौन सा कथन गलत पूछा ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, गलत। बाकी सब सही है, ये देखिए V अपॉन में आपका आई आ जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा आपका जब भौतिक परिवर्तित ना हो, भौतिक स्थिति। I इंटू आर भी आपका सही है, और I इज इक्वल्स टू अगर हम देखें तो R इंटू V भी आपका यहाँ पे सही आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा गलत सा लग रहा था जब मैंने प्रीवियस पेपर में देखा था, और आंसर उसमें यही सही बता रहा है, तो मैंने ऐसे ही नोट किया था। लेकिन आप लोग भी एक बार चेक कर लेना और मुझे व्हाट्सअप में आप लोग बता देना क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत गलत लग रहा था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के, किरचॉफ लॉ से संबंधित ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम है, तो भाई मैंने आप लोगों को किरचॉफ का नियम बताया था, पहला नियम आपका होता है विद्युत धारा वाला जो नियम होता है, और दूसरा आपका वोल्टेज, है ना, एक करंट का होता है, KCL KVL बताया था, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ ये सब। तो प्रथम नियम आप लोगों को पता होना चाहिए कि किरचॉफ करंट लॉ, है ना, किरचॉफ करंट लॉ, इसको हम बिंदु नियम भी कहते हैं, लूप नियम भी कहते हैं, और नोड नियम भी कहते हैं। अदरवाइज कभी पेपर में आ जाए तो भूलना मत। तो आपको यहाँ पे देखिए बिंदु लूप नियम भी दिख रहा है, विद्युत धारा नियम भी दिख रहा है, वोल्टेज तो हो नहीं सकता, तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी, बी और सी दोनों, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बोला है परिभाषा के अनुसार, किरचॉफ धारा नियम है। अब परिभाषा के अनुसार क्या है भाई, परिभाषा चलो पढ़ लेते हैं, परिभाषा ही मैंने बताया था, परिपथ के जंक्शन पर धाराओं के बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, भाई ये बताया था मैंने, सही है। जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, करेक्ट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला है कि किरचॉफ के धारा नियम अनुसार कौन सा समीकरण सही है। तो कौन सा समीकरण सही है, तो यहां पे आप लोग देख लीजिएगा, उपयुक्त सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था I1, I2, I3 is equals to I4, I5। अगर I4, I5 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और I1, I2 को अगर उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर डी क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। हर एक समीकरण को आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि किरचॉफ के धारा नियम का गणितीय समीकरण क्या है। तो गणितीय समीकरण मैंने बताया था समेशन आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये गणितीय नियम होता है आपका। देन उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि चित्र के अनुसार धारा I4 का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे I1 आपकी दी हुई है, I1 देखिए अंदर की तरफ आ रही है जो कितनी दी है 0.5, I2 भी यहाँ पे आ रही है 1.2, उसके बाद I3 आपकी दी गई है यहाँ पे 0.7, I4 हमें नहीं पता है निकालना है और I5 आपकी दी गई है 0.6। तो मैंने बताई थी आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग, यानी कि यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, यही बताया था मैंने। I1 यहाँ पे कितना दिया है 0.5 प्लस I2 दिया है 1.2 प्लस 0.7 इजकल्स टू I4 हमें नहीं पता, I5 है 0.6। इन सबको आपको जोड़ देना है, आप जब इन सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.4 और ये जो 0.6 है इसको माइनस कर देना आप यहाँ पे, I4 आपका निकल आ जाएगा, आपका I4 कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा आपका I4। इस समीकरण से आप लोग निकाल सकते हैं और देख भी सकते हैं मैंने कैसा किया, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन, ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो देखो ओम का नियम अब लागू नहीं होता तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसी पर। तो एसी पर तो भाई लागू होता है क्योंकि एसी में आप लोग ने आर एल सी सर्किट देखा होगा, है ना, जब प्योर रजिस्टेंस सर्किट होती है तब ओम का नियम इसमें क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। लेकिन जब इंडक्टिव और कैपेसिटिव की रहती है ना, इंडक्टिव और कैपेसिटिव की कैपेसिटर की रहती है तब ओम का नियम इसमें लागू नहीं होता। लेकिन जब प्योर रजिस्टर वाली सर्किट होती है, आप लोगों को फिटर वालों को तो नहीं मालूम लेकिन इलेक्ट्रिशियन वालों को मैंने पढ़ाया है और कोर्स में भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो, तो ओम का नियम इस पे लागू होता है। तो यानी कि ये तो भाई इसमें लागू हो रहा है ये हम नहीं लिख सकते, है ना, नहीं होता, हमें पूछा है कि नहीं होता। और डीसी पर तो होता ही होता है ओम का नियम, चालकों पर भी होता है, किसमें नहीं होता, अर्ध चालकों पर नहीं होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अर्ध चालकों पर क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें अर्ध चालक में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नहीं होता है, ठीक है, तो इस कारण अर्ध चालक पर नहीं होता है। तो फ्रेंड ये आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस बोरिंग टेक्नीशियन के जो पेपर थे उसमें से जो भी क्वेश्चन आए थे किरचॉफ लॉ से, ओम्स लॉ से और जो भी आपके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से, ये मैंने करा दिए हैं। आगे जो रजिस्टर्स वगैरह से आए हैं क्वेश्चन वो भी अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, एक क्लास और लूंगी, आपका बोरिंग टेक्नीशियन कंप्लीट हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी कुछ मैं उसी में करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे वही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही मैंने निकाला था ये क्वेश्चन और मैंने आज आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि आज लाइव क्लास हो नहीं पाई तो ज़्यादा आप लोग में से पूछ भी नहीं पाए और उतने हिसाब से मैंने बताया भी नहीं, लेकिन कोशिश करी हूँ मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने की। और ये वीडियो अभी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा 8 बजे तक, आप लोग इसको फिर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्लास हमारी और लगेगी, कल की क्लास हमारी लास्ट रहेगी, उसके बाद हमारा वापस हम सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा इलेक्ट्रीशियन का PDF निमी पैटर्न का चल रहा था हम वही रेगुलर कंप्लीट आगे करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, ध्यान रखिए अपना भी, अपने पेरेंट्स का स्पेशली, गुड नाइट। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल की रहेगी उसमें हम लाइव आएंगे।